की हमारी इस वीडियो का टॉपिक ये है कि अक्सर आपने देखा होगा घर में फ्रिज यूज करते हैं तो फ्रिज में कई बार जो है उसमें कॉकरोच आने लग जाता है। तो आज की वीडियो की टॉपिक में बताएंगे कि फ्रिज की रबड़ को किस तरीके से बिल्कुल साफ कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें कॉकरोच वगैरह आ रही है उसको किस तरीके से रोक सकते हैं या फिर आ गया है उसको भगा सकते हैं। बहुत सिंपल बहुत आसान तरीके हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो फ्रिज है, फ्रिज की जो रबड़ है इसको साफ करना है। साफ करने के लिए सिंपल आप पानी ले सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, एक शैम्पू का पाउच इसमें डाल दिया है। अब उसको क्या करना है, सिंपल कोई भी टूथपेस्ट का ब्रश लेने हैं, ये देखिए इस ब्रश को इस रबड़ की पटरी में अच्छे तरीके से चलानी है ताकि इसमें जो भी मैला या गंदा वगैरह होगा वो पहले निकल जाए। उसके बाद आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको कपड़े से पोंछ सकते हैं। रबड़ साफ होने के बाद कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ दीजिएगा। पोंछने के बाद सिंपल आपको ये काम करनी है कि अगर कॉकरोच आपके फ्रिज में आ रहा है उसको भगाना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। ये देख सकते हैं आप जो लौंग का तेल होता है, ये लौंग का तेल बहुत ही असरदार चीज़ होती है, इससे कॉकरोच वगैरह नहीं आता है। तो लौंग का तेल को सिंपल क्या करेंगे, एक रुई ले सकते हैं, रुई के साथ में लौंग का जो तेल है उसको थोड़ा सा डालेंगे। डालने के बाद आप इस फ्रिज की जो रबड़ है उसके पटरी में अच्छे से लगाएंगे। आपको जितनी चाहिए उतनी लौंग का तेल खरीद कर जो इसमें यूज़ कर सकते हैं। इससे फ्रिज की पटरी वगैरह में लगाने से कॉकरोच वगैरह नहीं आती हैं। तो मेरी इस वीडियो में छोटी सी सिंपल जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नए वीडियो नई जानकारी लेकर।